आज कितनी तारीख है? आज 10 तारीख है ना। आज 10 तारीख को मैंने कोई काम दियो ना? हाँ? कौन सा काम दियो? कितने को पाड़ो? 200 और 300। आज जब ट्यूशन से घर आ जाए ना 11 बजे के बाद, हाँ? तो 2 को और 3 को पाड़ो सुनाना पड़ेगा, ठीक है? याद है ना? हाँ। अरे तो तैयार है गो? रवि नाश्ता कर लियो ना, क्यों अनु का बनाइए चाउमीन मैगी और मेरे मैगी मैगी और चाउमीन एक ही तो है दीदी से। मैं तो कभी खाऊ ना हूँ सुसरी ने, मुझे पता ही ना कैसे रहे अलग अलग। और मेरी बिल्लो बन नहीं है तो आज बिल्ली म्याऊं कैसी बनी है बता दे, लाइक करो एकदम बढ़िया। एक कटोरी में ले जाऊं अनु? मैं भी तो खा, मैं भी खा लाऊंगा एक कटोरी घर जाके। नहीं हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? सुबह के 8:30 बजे हैं और सुबह जब हम नहा लेते हैं ना, नहाने के तुरंत बाद भूख लग जाती है। मुझे तो भाई बहुत तेज भूख लगती है और जहाँ तक मेरा मानना है सभी को नहाने के बाद में भूख तो लग ही जाती है। का ले गाऊँ? ये गजेंद्र को बल्ब चाहिए, कह रहा है ब्लॉग बनाते हुए जाओ घर से बल्ब लेके आओ। कौन सा बल्ब चाहिए? LED बल्ब चाहिए या फिर दो? कौन सा बोलने वाले? 10 रुपये वाला 100 वाट दरिया जाए रोज। एक बल्ब ले गई हो भाई 100 वाट को? हाँ दिलीप का मूंग चावल की खिचड़ी जरो और चाचा का प्रयोग चल रहा है। ये प्लास्ते हुक्के लगा रहे हो? अरे वो बल्ब कहा था भाई? कहा काम चल रहा है यहाँ आप कंप्यूटर पे भाई? फोटोशॉप वगैरह ट्रम से ट्रम तैयारी। CPU तो ओल्डर रख रहा है उसके अंदर, ऐसे थोड़ा रखनो यार आपको मुंह आगे कर। तो यहीं आराम से काम करो और ठंडा पीने का मन करे तो यहीं पे पूरा पैकेट रखा है, एक बोतल निकालो और पियो। देखिए हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, बहुत ज़्यादा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, ये गजेंद्र है। आप लोगों ने लास्ट वाले कई ब्लॉग में देखा होगा और आप लोगों ने कमेंट भी किया था भाई ये गजेंद्र सारे काम कर लेता है। वैसे तो पैसे का डॉक्टर है ये, लेकिन सारे काम आते हैं इसको। यहाँ पर ये लट्टू लगा दिया बल्ब। अरे यार बल्ब के तो यार अमीर तो देसी भाषा निकल जाए लट्टू। बोतल काट के लगा दी बोतल में देसी कवर। और यहाँ ये लाइट का जोड़ गजेंद्र खतरा है, आप टेप लगा दीजिए यार ना। पंखा लगाऊं मैं ना? और इनका पंखा भी देखो, ये बहुत तगड़े आविष्कार करता है भाई। मटका रखने का स्टैंड है, इसमें मोटर बांध दी है कूलर की और बन गया हेवी है। मोटर देख कितनी हेवी है। मैं पापा इन गाओ चक्कू हम चक्कू ना इन बैठे दिया हूं। अड्डी से 2 पीपा उतारे हैं, पीपा को कई जगह लोहे की टीन भी बोलते हैं। तो इनमें कुछ वृक्षारोपण करेंगे और यहाँ पर ये भैंस के लिए दलिया बना है। आज है 10 तारीख, आज हमारी भैंस 9 महीना की हो गई है, मतलब 9 महीने आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब 15-20 दिन में हमारी भैंस ब्याह जाएगी, उसके लिए हमने खुराक चालू कर दी। अभी जो दलिया देखा आपने वो भैंस के लिए इसलिए बना है जिससे कि अच्छा दूध दे, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, भैंस अच्छी खुराक खाएगी तो दूध भी अच्छा देगी, दूध अच्छा देगी तो घी भी अच्छा बनेगा, समझ रहे हो ना? चलो तब घर चलते हैं, दोपहर के बाद देखेंगे मतलब पीपा को सेट करने का काम। अभी तो घर चलते हैं, एक आध दो फिल्म वगैरह देखते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ। अरे घर तो कोई नहीं है आज, सब नहरे में ही हैं।
बाहर से जब अंदर आते हैं ना तो एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है। पंखा भी चला लेते हैं, 3 नंबर पे सही रहेगा। तीन पिलाई कितनी पी? दो गिलास तो खूब पीत गुला, आराम तो करियो। ओहो हो, आराम तो। बस मैं एक बोतल थी पी लूँगा ना, भी लेकर आओ दुकान पे थे। बोतल में थोड़ी सी बचिया पी लूँगा मैं, बोतल में सबन ने पी ली ना, और मम्मी सबन ने। गोलू 3 बज गए, 3 बजने वाले, थोड़ी देर है। याद कर लिए पहाड़े दोनों? एक बार और रिवीजन कर ले, मैं देखता हूँ क्या बनना है अंदर। चलो मम्मी आप जब तक हलवा बनाओ, जब तक गोलू पहाड़े सुनाएगा। चल भाई गोलू शुरू है जा। लाला तेरे हाल ठीक ना, 1 महीना होने को जा रहा हो तो, और तो पे 2 और 3 को पढ़ो याद ना भाई, कन्फर्म कब याद होगो? कन्फर्म आज शाम को बता रहा हूं। शाम को कन्फर्म? मैं तो कल पूछूंगा सुबह, पूरे दिन पढ़ाओ भाई। अब 3 बजे है ना, शाम तक पढ़ खूब, 6 बजे तक। लो गोलू जी आराम से, फैला मत दिए ना, जरा गेट खोलने में समस्या। अब ये ना खुले, ऐसे खुलेगा। पापा जी लो नाश्ता। हमारा नाश्ता तो हो गया है, अब चलते हैं भैंस के लिए सानी करते हैं। पीछे रवि जा रहा था। अरे यार रवि नहीं है, मिस्टेक हो गई है, तो ये तो दूसरा लौंडा है कोई। अभी हल्की सी छाया हो गई है, ऐसे मज़ा आता है ना शूट करने में। और अगर बाइक पे हो और बाइक पर अगर ऐसे चलें, सेल्फ स्टिक और भी जितनी ज़्यादा ऊंची होगी ना उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। नीचे देख लेता हूँ कहीं ठोकर लग जाए, क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा ही बना हुआ। या कहा मम्मी सानी पा रही है अभी, फिर आगे मम्मी 4 बजे कर दें परेशानी। आजा जो को आजा, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए भैंस की बेल को मैंने छोड़ दिया भाई, भैंस आराम से पानी पी रही है। ये एक छोटा सा बबूल का वृक्ष है और इसकी थोड़ी सी जगह में छाया है, तो बस यहीं खड़ा हूँ मैं अभी। क्या कह रही है? यहाँ मैं 3 आंट लगा रखी हैं, 1 2 3। ये पड़िया भी मोड़े थे खोल ले हुआ। मटकी में पानी नहीं है, भरते हैं इसको। भरने के लिए डोरी वोरी सेट करनी पड़ेगी, और इसके साथ ही साथ जो भैंस की पानी की कुंडी है वो भी खाली हो चुकी है, भैंस और पड़िया ने खाली कर दी, उसको भी धो के साफ करके भरना। यार
कहाँ से लेकर आवाज आए? मुझे नई चीज ना लग रही थी कही यार, नहीं है पर नई चीज लग ना रही है। छुप रही है। मत निकाल, मिस्त्री मत बने, मिस्त्री मत बने, बिल्कुल पैक करे बस। तो तू छेड़ियो मत यार, ज्यादा खराब है जाओ नहीं तो ही। लाइट जल तो रही है कि आंखन में जल रही है लाइट। बियर मान भालू होए। अरे वो ना बजे आते वो पर ना बजे बंद कर आ जा। या को बजा के बता बार बार। अनु काज काले कहाँ बाजार थे आज? करते हैं कारपेट के तैयार और पेड़ लगाते हैं, से जामुन नीम वगैरह वगैरह। चलो छिद्दू से मैं दूर दो साटे चाट लूं। छिद्दू से मैं टटलू वही टटलू। ओ सब नहीं भेरे है गे भगत जी, मीनू अन्नू टटलू अन्नू मीनू ये क्या सुना है भाई? अन्नू ये क्या सुना है? अन्नू मीनू क्या कौन ले जाओ पर आते मेरी मैं अन्नू के मुंह पर धर दूँ ले धर 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 दो यार जा कोई भी ना चला नहीं ले जाऊंगा आज। दो एक परात मिट्टी चाहिए, दो परात हो चाहिए, डेढ़ परात आवे एक भी पाऊं। करीब 8-10 निबोरी लेकर आया हूं मैं, इसमें से ये सारी निबोरियां मैं एक पीपा में डाल दूंगा, उसके ऊपर से मिट्टी डाल के पानी डाल दूंगा और दूसरे वाले पीपा में क्या बोना है इसके बारे में अभी हमने विचार नहीं किया। मैं कहा था मम्मी से कि इसमें जामुन बो देते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा कि घर में जामुन नहीं बोना, घर में जामुन बोना ठीक नहीं होता है। तो इसमें करीब 2 इंच नीचे डाल देता हूँ, एक यहाँ पे, एक इसके पड़ोस में और यहाँ डाल देता हूँ, एक यहाँ। ठीक है, ये तो एक ही डिब्बा बहुत, करीब 1 लीटर से ज्यादा पानी होगा इसमें शायद। 4 ऊपर रोशनी में पानी दे दो। शाम के 7 बजे हैं और छिपते हुए सूरज की लालिमा आप देख सकते हैं। वाव, वंडरफुल, अमेजिंग, और क्या क्या कह सकते हैं, वो भी इसके लिए कम है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज भी शायद आप सुन रहे होंगे। बहुत ही जल्द आपको आउटडोर लोकेशन के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हमारा प्लान प्रीपेयर्ड हो चुका है, हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे ना एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर टिक मार देना है, एक हथौड़ी लेनी है, हथौड़े से चोट मार देनी है, सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल बटन दबा देना।
ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।